दोस्तों सब्सक्राइब करो दिस शॉपिंग को, दबाओ ये बेल आइकॉन ताकि आप देख सको लेटेस्ट मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दिस शॉपिंग। मैं आपके लेके आया हूँ हुआवे वाई नाइन 2019। अभी हुआवे वाई नाइन 2018 लॉन्च किया गया था इसी साल में, जो कि इस साल नहीं चल सका फ़ोन। एक अच्छे फीचर थे उसके, 4000mAh बैटरी थी, एक अच्छा डिस्प्ले था, ड्यूल रियर कैमरा, ड्यूल फ्रंट कैमरा था उसका, और एक बेस्ट प्राइस में ये फ़ोन लॉन्च किया गया था पाकिस्तान और इंडिया में। पाकिस्तान में उसकी जो प्राइस थी 25,000 rupees में लॉन्च किया गया था, 3GB और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तो अभी 2019 अभी आया नहीं है, तो हुआवे को वाई नाइन 2019 लॉन्च करना पड़ गया। दोस्तों हुआवे वाई नाइन 2019 लॉन्च होने जा रहा है, तकरीबन नवंबर के पहले हफ्ते में आपको ये मिल जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान और इंडिया में ये ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। इसका डेमो वर्जन है वाई नाइन 2019 का। इस फ़ोन में 3 से 4 ऐसे फीचर्स मुतारफ़ किए जा रहे हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे। जैसे कि इसकी बैटरी, जो वाई नाइन सीरीज़ की जो स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें बैटरी अच्छी होती है और डिस्प्ले बड़ा होता है। जैसे कि 4000mAh बैटरी में ये लॉन्च किया जा रहा है, उसका ड्यूल रियर कैमरा, ड्यूल फ्रंट कैमरा होगा। इसकी जो प्राइस होगी इसके वेरिएंट के हिसाब से रखी जाएगी। जैसे कि इसमें 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे 3GB रैम के साथ 64GB इंटरनल मेमोरी होगी और 4GB रैम के साथ भी 64GB इंटरनल मेमोरी होगी डेफिनेटली। तो उसमें अगर तो ये अंडर 30,000 rupees में, यानी पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता है तकरीबन 27,000-28,000 rupees में, तो ये डेफिनेटली ये फ़ोन सेल होगा। बाकी इसके स्पेक्स के बारे में आपको बताता हूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं जो इस फ़ोन में रखे गए हैं। इसकी बॉडी के डायमेंशंस की बात करें तो 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक लगा सकते हैं। माइक्रो USB 2.0 रिवर्सिबल कनेक्टर है इसका चार्जिंग के लिए। ये इसका रिंगर दिया गया है जिसको, जो कि स्टूडियो स्पीकर भी इसका है, और इसमें ये माइक भी अवेलेबल है, ये आपको साथ मिलता है माइक। और बैक फुल जो इसकी बॉडी है ग्लास की बनाई गई है। इसका रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, ड्यूल रियर कैमरा इसका एक 16 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर, और LED फ्लैश लाइट दी गई है, और कैमरा की जो टेक्नोलॉजी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंस्टॉल की गई है। और इसकी जो वेट है 77.1 मिलीमीटर है, और इसकी जो हाइट है 162.4 मिलीमीटर है, और इसकी जो डेप्थ या मोटाई है 8.05 मिलीमीटर इसकी रखी गई है। अप्रॉक्सीमेटली जो इसका वेट है 173 ग्राम रखा गया है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है। 4000mAh बैटरी है इसकी, नॉन रिमूवेबल। 6.5 इंच का 2-टोन डिस्प्ले है FHD+, 19.5 एस्पेक्ट रेशियो इसके डिस्प्ले की, और इसके डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है 2340x1080 pixels का है। 396 ppi pixel डेंसिटी है इस डिस्प्ले की। EMUI 8.2 इसमें इंस्टॉल दिया गया है, एंड्रॉयड 8.1 और इसमें आपको मिलता है। चिप जो लगाई गई है हाई सिलिकॉन क्रेन 710 लगाई गई है, और ऑक्टा कोर 2.2 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है इसके अंदर। ड्यूल सिम सपोर्टेड है, दोनों सिम नैनो लगा सकते हैं। 400GB तक ये microSD लगा सकते हैं, जो कि डेडिकेटेड स्लॉट आपको इसमें मिलती है। और इसकी इंटरनल मेमोरी जैसे कि बताया है 4GB रैम होगी और 64GB इंटरनल मेमोरी में मिलेगा, और 3GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी में 2 वेरिएंट्स में ये अवेलेबल होगा मार्केट में। सेंसर्स की बात करें, इसमें मिलेगा आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, डिजिटल कॉम्पस, ग्रेविटी सेंसर और गायरोस्कोप। और कैमरे की बात करें तो इसमें ड्यूल रियर कैमरा है, AI कैमरा दिया गया है, एक 16 मेगापिक्सल का है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल के साथ मिलेगा 2.0 का अपर्चर, और 2.0 के साथ मिलेगा 2.4 का अपर्चर। और फ्रंट कैमरा दिया गया है, ड्यूल फ्रंट कैमरा भी आपको इसमें मिलता है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा, एक 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। 1.8 अपर्चर और 2.4 अपर्चर के साथ। LED फ्लैश लाइट फ्रंट कैमरे के साथ नहीं दी गई है, लेकिन जो ईयरपीस है इसको स्टीरियो स्पीकर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस फोन की स्पेशल बात यह है कि 6.5 इंचेस का फुल डिस्प्ले दिया गया है इसके अंदर, जिसका जो साइज़ होगा डिस्प्ले का 2340x1080 pixel का डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है इसका, और 19.5.9 एस्पेक्ट रेशियो है इसकी, जो कि एक आउट क्लास डिस्प्ले होगा इस फोन का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर दिया गया है इसके अंदर, डिस्प्ले बहुत ही आउट क्लास है, ग्रिप बहुत ही अच्छी है इस फोन की। हुआवे वाई नाइन 2019 में 3 डिफरेंट कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जो कि वाई नाइन 2018 में नहीं थे। जैसा कि आपको इसमें मिलेगा मिडनाइट ब्लैक, सफायर ब्लू और अरोरा पर्पल कलर। ये आप जो देख रहे हैं मिडनाइट ब्लैक कलर है, ग्लॉसी लुक है, बैक इसका जो बैक फुल ग्लास की बनाई गई है। क्योंकि हुआवे वाई नाइन 2018 जो लॉन्च किया गया था उसमें कैमरे का प्रॉब्लम था, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वाई नाइन 2019 में ये प्रॉब्लम दूर कर दी गई है। और इसको ट्राई किया गया है 500 डिफरेंट सीन्स पे, इसको ट्राई किया गया है डिफरेंट लोकेशंस पे, और इसका रिजल्ट चेक किया गया है, जो कि आप देखिए कैसा होता है। हुआवे वाई नाइन 2019 में एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है इसके अंदर, फोटो स्टूडियो बिल्ट इन इंस्टॉल किया गया, जिसमें आप लाइटनिंग डिफरेंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप
पोर्ट्रेट मोड, लाइटिंग इफेक्ट्स और 3D टच और डिफरेंट चीज़ें आप इसमें ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं आप, जो कि आपको पहले से बिल्ट इन नहीं। हुआवे Y9 2019 में मिलेगा आपको एक बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, जैसे कि इसकी बैटरी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। इसमें टर्बो GPU लगाया गया है जो कि अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देगा, जो कि एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। हुआवे Y9 2019 में जो बैटरी इंस्टॉल की गई है नॉन रिमूवेबल 4000 mAh की है, जो कि आपको देती है, जो कि आपको प्रोवाइड करती है 20 hours टॉक टाइम इसका, और 9 hours आप वीडियो और गेम्स प्ले कर सकते हैं, 65 hours म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और 14 आवर्स वेब पेज ब्राउजिंग कर सकते हैं अंडर 4G नेटवर्क के। और Y9 2019 में उन लोगों के लिए जो कि बुक रीडिंग्स करते हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। TUV रेनलैंड सर्टिफाइड इसमें दिया गया है आई एक्सपीरियंस, जिसमें यह हार्श ब्लू फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस करता है और आपको एक अच्छा कम्फर्ट देता है लो लाइट में भी। Huawei Y9 2019 की ड्यूरेबिलिटी को चेक किया गया है, इसके जो पावर बटन को 200,000 बार प्रेस करके चेक किया गया, उसके साउंड बटन को 50,000 बार चेक किया गया, उसके जो चार्जिंग वाला जो कनेक्टर है 10,000 बार इस पर अनप्लग किया गया है इसको, और इसका जो हेडफोन्स है 3.5 mm का चेक है इस पर 5,000 बार इसको चेक किया गया, उसका टेम्परेचर भी टेस्ट किया गया है -40°C पर और 70°C पर इसको चेक किया गया है, उसके स्क्रीन के टच को 800,000 बार इस पर टच करके इसको चेक किया गया, इसकी ड्यूरेबिलिटी